हेलो। देखिए, कल हमने आपको गोले के कुछ प्रश्न कराए थे, आज भी हम आपको गोले के प्रश्न कराते हैं और आज आपकी शायद ये खत्म हो जाएगी। देखिए, आपका प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है, यानी कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथाई है। अगर पृथ्वी का व्यास 4 है तो चंद्रमा का व्यास 1 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? अब देखिए, हम लिखेंगे माना पृथ्वी का व्यास d है, तब पृथ्वी की त्रिज्या d/2। ठीक, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो d/2। तब चंद्रमा का व्यास कितना होगा? पृथ्वी का 1/4, यानी कि d/1/4, यानी कि d/4। और चंद्रमा की त्रिज्या आपकी होगी d/2 इसकी आधी, यानी कि d/8। अब इसने कहा कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? तो आप लिखेंगे चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। देखिए, चंद्रमा भी एक गोले की तरह है और पृथ्वी भी एक गोले की तरह है, तो चंद्रमा का आयतन होगा 4/3 πr³, पृथ्वी होगा 4/3 πr³, आर वन ले लेते हैं r², हम इसे r ले लेते हैं और चंद्रमा वाले वो r₁। अब आप इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, आपके पास हुआ r³/r³। काटने के बाद में r³ और r³, तो r₁ था हमारा d/8 इसकी क्यूब और r₁ था हमारा d/2 इसकी क्यूब, तो आपका d×d×d/8×8×8 और ये d×d×d और upon 2×2×2। अब इस d से कैंसिल, d से ये कैंसिल, d से ये कैंसिल, इस 2 से 4 टाइम, इस 2 से 2 बार, इस 2 से, तो आपका 8×8 1/64, ये आपका आंसर। आपका व्यास 2.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? देखिए, उसका व्यास दिया है, कटोरे का व्यास 2.5 सेंटीमीटर, तो कटोरे की त्रिज्या कितनी होगी? 2.5/2 इतने सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर किसी भी चीज में हमें ये ज्ञात निकालना है कि उसमें कितना सामान आएगा, पानी हो, दूध हो, हवा हो, तो हम उसका आयतन निकाल लेंगे। तो कटोरा आपका हुआ किस साइज का? एक अर्ध गोले का, अर्ध गोले का साइज। तो हम लिखेंगे कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन हो गया आपका अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का होता है 2/3 πr³, तो 2/3 πr³ का मान रखेंगे हम 22/7 और 10.5 × 10.5 × 10.5 × 2 × 2। अब इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल, इस 2 से आपका ये, और इस 3 से आप लिखिए, आप 3 × 9 = 15 और इस 7 से आपका ये कैंसिल, 7 × 7 = 15, तो आपके पास हुआ 11 × 3.5 × 1.5 × 10.5 × 2 इतने सेंटीमीटर क्यूब उसमें दूध आएगा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर² है। देखिए, गोले का
पृष्ठीय क्षेत्र फल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सूत्र के अनुसार होता है आपका 4πr² 154। तो यहां से r स्क्वायर होगा आपका 154 4πr, 154 का आप युगल तो लिखिए 4, पाई का मान 22/7, ये 7 हो आएगा ऊपर। अब देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, और तो 11 कम 11 और 11 चक 44, फिर 2 से काटिए 7, तो r स्क्वायर है आपका 7×7/4, यानी कि r बराबर होगा आपका 7/2, r बराबर यानी कि 3.5। अब हमको क्या निकालना है इसका आयतन, तो गोले का आयतन कितना होगा आप देखिए, गोले का आयतन ये होता है आपका 4/3πr³, तो 4 आप जो बतो लेते हैं बटे 3 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 रख लीजिए आप, और 3.5 और 3.5, 7 से काटिए से 7×5=35, इसी गुणा कीजिए आप 5×20 और 20 गुणा आप करेंगे 22 में, तो 440 एक अंक आप 2 आ जाएगी बटे 3 और 3.5 और 3.5, तो जब आप इसी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करके जो भी आपका आंसर आएगा उसे 3 से भाग कर देंगे, इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा।